हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की एक स्पीच है जिसका शीर्षक है अ ट्रिब्यूट टू द बुद्धा, इस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के एक लोक कल्याणकारी राजा थे और उन्होंने उनके जीवन काल में समाज के सभी वर्गों से अच्छे रिश्ते बनाए थे और उनके जीवन काल में उनके राज्य में सभी कला का, आर्ट्स यानी कि कला का सम्मान किया जाता था। तो ये जो प्रस्तुत ऐसे है, ये ऐसे एक्चुअली स्पीच है, भाषण है, जो कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक विहार के ओपनिंग सेरेमनी में दिया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को मुंबई से एक इनविटेशन आया कि वहां एक आनंद विहार करके विहार है, उसका ओपनिंग सेरेमनी उनके हाथों से होना है। तो वो वहां जाते हैं और उस विहार का उद्घाटन करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेते हैं और वहां जो कुछ वो कहते हैं वो इस ऐसे में है। तो इस ऐसे में वो बुद्धा के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बुद्धा को श्रद्धांजलि है, बुद्धिज्म का ये सम्मान है। बुद्धिज्म एक अच्छा धर्म है, एक जीने की कला है। तो कैसे ये धर्म स्थापन हुआ और कैसे ये लोगों में फैला, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी है, जो बातें हम फॉलो करके हमारा जीवन हम सुखी बना सकते हैं, तो ऐसी बातें इस ऐसे में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उस भाषण में कहते हैं। इसी के तहत वो ऐसा भी कहते हैं कि दुनिया में जो भी धर्मों का उदय हुआ, जो भी धर्मों का निर्माण हुआ, वो सब एक ही बात से हुआ है। सभी धर्म, दुनिया के अच्छे धर्म, वो प्रिस्ट क्राफ्ट यानी कि जो लोग पूजा अर्चा करते थे मंदिर में या फिर चर्च में, कहां भी जो प्रिस्ट थे, तो उन्होंने जो कर्मकांड बताए गए थे, तो जो सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास बताया गया था, तो उसके खिलाफ ही सभी अच्छे धर्मों का उदय हुआ है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें वो बुद्धिज्म के बारे में कहते हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से इस ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ रूल्ड ओवर द स्टेट ऑफ डैश। ऑप्शन आर बॉम्बे, बड़ौदा, मद्रास, कैलकटा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट के राजा थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट डैश रिफॉर्म्स। ऑप्शन आर सोशल एंड रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, रेवोल्यूशनरी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनके काल में, उनके राज्य में सामाजिक और धार्मिक सुधारणाएं की थी। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन आर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ लाइफ एंड वर्क्स, बायोग्राफी ऑफ सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ रेवोल्यूशनरी लीडर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्पीचेस एंड एड्रेसेस वॉल्यूम 2। ये ऐसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्पीचेस एंड एड्रेसेस वॉल्यूम 2 इस किताब से लिया है। नेक्स्ट वन, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वॉज इन्वाइटेड फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द डैश विहार। ऑप्शन आर वेदसा, चैत्य, आनंद, कानेरी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को जो इनविटेशन आया था वो आनंद विहार के ओपनिंग सेरेमनी का था, ऑप्शन सी। उस विहार का नाम था आनंद विहार। नेक्स्ट वन, वेयर इज द आनंद विहार लोकेटेड। ऑप्शन आर बॉम्बे, नासिक, बड़ौदा, अहमदाबाद। तो आनंद विहार ये बॉम्बे में था। नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट ऑफ द डैश इन्वाइटेड महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आनंद विहार। ऑप्शन आर धम्मा सोसाइटी, बुद्धा सोसाइटी, परिवर्तन सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी। बुद्धा सोसाइटी के अध्यक्ष ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को आनंद विहार के ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया था। नेक्स्ट वन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बुद्धा सोसाइटी। ऑप्शन आर डॉक्टर माधवन नायर, डॉक्टर श्रीनिवास अय्यर, रामकृष्ण हेडगे, डॉक्टर आनंदराव नायर।
बुद्धा सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर आनंदराव नायर। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ द बुद्धा सोसाइटी? ऑप्शंस आर टू प्रमोट एसेटिसिज्म, टू प्रमोट रिलीजियंस, टू प्रमोट द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, टू प्रमोट सेक्युलरिज्म। बुद्धा सोसाइटी का प्रमुख कार्य क्या था? मानवता के लिए काम करना, यह बुद्धा सोसाइटी का प्रमुख कार्य था। Next one, the essence of Buddha's teachings is the great respect he attached to dash. Options are life, monks, altruism, none of these. Buddhism में जो philosophy है वो जीवन से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें वो भाती है या फिर follow करने में easy लगती है। Next one, Buddha led men and women in the pursuit of dash. Options are treasure, emancipation, excellence for knowledge, perfection. So, Buddha led men and women in the pursuit of emancipation. Next one, according to Buddhist philosophy, the three avenues of action which need to be emancipated are, options are work, life and body, brain, heart and mind, body, spirit and mind, religion, body and work. Buddhist philosophy ke anusar wo kaun se teen ang hai jisko hame purify karna hai, jo bhi faults hai usme se purify karna hai, pure karna hai, तो वो है हमारा शरीर, हमारी आत्मा यानी कि स्पिरिट और हमारा मन। तो ये विकारों से हमें मुक्त करना है, सभी फॉल्ट से। नेक्स्ट वन, मच ऑफ द सक्सेस ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ इज ड्यू टू द डैश। ऑप्शंस आर जर्नी टू एनलाइटनमेंट, हार्डशिप, पेनेंस, ऑर्डर ऑफ मंक्स। बुद्धिज्म का जो सक्सेस रहा है वो ऑर्डर ऑफ मंक्स यानी कि भिक्खु संघ की वजह से ही रहा है। Next one, what are the three refuges mentioned in Buddhism? Options are the karma, the dharma and the moksha. The Buddha, the dharma and the sangha. The dharma, the prayer and the ritual. The hymns, the scriptures and the karma. Kaun si teen baate hai jis par Buddhism focus karta hai? Wo teen baate hai, the Buddha, the dharma and the sangha. Next one, find the incorrect pair in the context of the essay. Options are the Buddha, intelligence, the moksha, freed soul, the dharma, law, the sangha, assembly. तो इसमें से एक पेयर जो है the moksha यानी कि freed soul, इसके बारे में इस essay में कुछ भी नहीं कहा गया है, so ये incorrect pair है in the context of the essay. Next one, which does not come under the scope of Buddha's religion? Options are rites and rituals, active charity, cultivation of good thoughts, destruction of evil thoughts. बुद्धिज्म के तहत क्या नहीं आता? तो एक्टिव चैरिटी आती है, कल्टीवेशन ऑफ गुड थॉट्स, अच्छे संस्कार का निर्माण और बुरे ख्याल से छुटकारा और एक्टिव चैरिटी, ये तीन बातें आती है। राइट्स एंड रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड, ये बुद्धिज्म में नहीं आता, ये बुद्धिज्म का अंग नहीं है। नेक्स्ट वन, ही डैश ऑल क्लासेस टू अ सेंस ऑफ द रियल ड्यूटी दैट दे ओड मैन एंड ऑल लिविंग क्रिएशन। Are awakened, applied, argued, accepted. He awakened all classes. Next one. What did Buddha start to localize the activities of the Sangha? Options are religious practices, practice of karma, viharas, temples. Buddha ne viharas, yani ki vihar ka nirman kiya, localize karne ke liye bahut sari activities. Next one, what was the functions of viharas in Buddha's time? Options are to provide means of education, to impart religious instruction, to open hospitals, all the above. Vihar se kya karya hota tha? To ye sabhi option A, B, C, ye karya vihar ke dwara hote the. Next one, what arose as a protest against religion overrun by superstition and priestcraft? Options are Buddhism, democracy, the great faiths of the world, viharas. The great faiths of the world यानी कि दुनिया के सभी धर्मों का उदय, ये निषेध करने के लिए हुआ था। किसका निषेध? सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास और प्रिस्ट क्राफ्ट, प्रिस्ट यानी कि पुजारी जो मंदिर, मस्जिद, चर्च में प्रमुख काम करते हैं। Next one, whose mission was to preach the return to the Christianity? Options are Nelson Mandela, Martin Luther, George Washington, Pope II. ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी सिखाना किसका मकसद था? वो था मार्टिन ल्यूथर का।
Next one. The mission of Daesh was to restore and purify the different Hindu sects, which had grown old, feeble, and degraded. Options are Swami Vivekananda, Yogi Aurobindo, Ramakrishna Paramahansa, Sri Shankaracharya. So, the mission of Sri Shankaracharya was to restore and purify the different Hindu sects, which had grown old, feeble, and degraded. Sri Shankaracharya, jinko ki aksar Hindu dharma ka samsthapak kaha jata hai. Next one, Buddha protested against the gross superstition and priestcraft of the Daesh order. Options are Brahminical order, order of monks, Varnas, superior order. So the right answer is Brahminical order. Next one, what were the ways by which one could attain salvation as per the Brahminical order? Options are Karmakant, by asceticism, by the worship of idols, all the above. ऐसे कौन से मार्ग थे जिस मार्ग पर चलकर कोई मुक्ति पा सकता है, ऐसा ब्राह्मिनिकल ऑर्डर जो उस जमाने के प्रमुख धर्म में थी उसमें कहा गया था. तो कर्मकांड से, बाय एसेटिसिज्म यानी कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ सम रूल्स लाइक फास्ट एंड अदर पेनेंस, और बाय द वर्शिप ऑफ आइडॉल्स यानी कि मूर्ति पूजा. तो ये सभी करके हम मोक्ष पा सकते हैं, ऐसा कहा गया था. Next one, Buddha practiced a severe dash to acquire superhuman wisdom and powers. Options are fast, meditation, penance, punishment. जैसे ही सिद्धार्थ गौतम सब कुछ छोड़कर वो घर से निकले, तो पहले कुछ सालों तक उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, क्योंकि उनको ये जानना था कि इस संसार में दुख क्यों है, सभी लोग परेशान क्यों हैं. तो सबसे पहले उन्होंने पेनेंस यानी कि शरीर को बहुत सारा कष्ट, फिर वो चाहे उपवास रखने से हो या फिर घोर तपस्या करने से हो, तो ऐसे सब बातें उस समय में जो की जाती थी वो सब उन्होंने पहले कुछ सालों में किया, पेनेंस. लेकिन फिर भी इससे उनको ये रियलाइज नहीं हुआ, उनको ये साक्षात्कार नहीं हुआ कि सब लोग परेशान क्यों है, सब लोग दुखी क्यों है. Next one. According to Buddha, where did lay the true path of salvation? Options are in self-conquest and universal love, in conquering the others, in peace and harmony, in silence. Buddha ke anusar, mukti ka sahi marg kya hai? To mukti ka sahi marg hai, khud par vijay paana, aur sabhi se pyar karna, yani ki vaishvik prem. Option A is the right answer. Next one, the founder of the Christian church inaugurated his mission by dash. Options are the Sermon on the David, the Sermon on the Mary, the Sermon on the Hill, the Sermon on the Mount. And the right answer is option D, the Sermon on the Mount. Next one, what is or are the ways which men should follow? Options are renounce complete absorption in the passions, the practice of austerity, both A and B, living simple life. ऐसे कौन से मार्ग है जो लोगों को फॉलो करने चाहिए, ऐसा बुद्धिज्म ने कहा है. सो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट वन, व्हाट ओपन्स द आईज, बिस्टोज अंडरस्टैंडिंग एंड लीड्स टू पीस, टू इनसाइट, टू द हाईएस्ट विजडम, टू निर्वाण. ऑप्शंस आर मेडिटेशन, धर्म, द मिडिल पाथ, पेनेंस. ऐसा क्या है जिससे हमें सब समझ आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है और हमें शांति मिलती है, हमें इनसाइट मिलती है और उच्च कोटि का साक्षात्कार होता है और निर्वाण यानी कि हमें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा क्या है? तो ऐसा मिडल पाथ है जो कि बुद्धिज्म में बताया गया है. नेक्स्ट वन, द मिडल पाथ इज आल्सो नोन एज डैश. ऑप्शंस आर द गोल्डन मीन, द बैलेंस्ड पाथ, द राइट पाथ, द रिलीजियस पाथ. द मिडल पाथ को अक्सर द गोल्डन मीन ऐसा भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग, सुवर्ण मध्य. Next one, the middle path is the dash fold path. Options are 4, 6, 8, 10. तो ये जो मध्यम मार्ग है, इसको अष्टांगिक मार्ग, आठ ऐसी बातें हैं जो कही गई है, तो इसको अक्सर एट फोल्ड पाथ ऐसा भी कहा जाता है. Next one, what incarnation is Gautam Buddha regarded as? Options are great faith, eternal one, enlightened one, great one. Gautam Buddha को अक्सर eternal one ऐसा कहा जाता है.
Next one. How could one attain peace? Options are love and non-violence, overcoming evil with good, winning hatred by love, all the above. हम शांति कैसे पा सकते हैं? तो इन सभी से ऑप्शन ए बी सी. Next one. There can be no higher religion than dash. Options are Buddhism, Gautam Buddha, truth, peace. सबसे बड़ा अगर धर्म कौन सा है तो वो है सत्य का धर्म. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Explain. In the days of strife and clash of races and religions, we are in need of the ethical, humanitarian and dash aspects of religion. Options are moral, altruistic, charitable, cultural. So the right answer is altruistic. Option B. Altruistic यानी कि showing a selfless concern for the well-being of others. दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ होकर काम करना. Next one and the last question. Where did Gautam Buddha expound the essentials of his doctrine in his first discourse? पहला प्रवचन गौतम बुद्ध ने कहां दिया? डियर पार्क एट गया, डियर पार्क एट सारनाथ, डियर पार्क एट वाराणसी, डियर पार्क एट हुमायूनपुर. तो गौतम बुद्ध ने उनका पहला प्रवचन डियर पार्क एट सारनाथ इस जगह पर दिया. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.